Hello everyone, I'm Professor N.B. Chatterjee welcomes you all in the 43rd lecture of Industrial AC Machine Subject. So my dear students, we have discussed about the power developed by a synchronous motor, this point, right, in the last lecture. Then we have discussed about the motor on load with constant excitation, right? And third point we have discussed, that is the power angle of synchronous motor and synchronous motor at no load condition. So up to this much we have covered our syllabus in the last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss about the synchronous motor with different excitations. ठीक है, आज के लेक्चर में हमें ये पॉइंट देखना है. ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट पढ़े हैं, वो पहला पॉइंट पढ़ा था पावर डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर. दूसरा पॉइंट पढ़े हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है, ये मोटर पावर डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर, ये पॉइंट पहला पढ़े थे. दूसरा हमने पढ़े पॉइंट मोटर ऑन लोड विथ कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन, और तीसरा पॉइंट पढ़े हमने पावर एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, एंड चौथा पॉइंट पढ़े हमने सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड कंडीशन. अभी आज के लेक्चर में हमें देखना है कि सिंक्रोनस मोटर विथ डिफरेंट एक्साइटेशन, सिंक्रोनस मोटर ऑन लोड कंडीशन विथ कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन, ये पॉइंट हमने देखा है ऑलरेडी. ठीक है, तो वैसे टाइप का ही ये पॉइंट है अपना. तो इसमें क्या दिया है, देखो, सिंक्रोनस मोटर इज सेड टू हैव नॉर्मल एक्साइटेशन. सिंक्रोनस मोटर का हम जो एक्साइटेशन है वो नॉर्मल है, ऐसा बोल सकते हैं, जब जब वहां पे ईबी की वैल्यू वी के इक्वल में आती है. ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन है नॉर्मल है, ऐसा म्हणतो जेव्हा ईबी ची वैल्यू ही वी च्या इक्वल मध्ये असते. ठीक है, इफ द फील्ड एक्साइटेशन इज सच दैट, अगर वहां का फील्ड एक्साइटेशन ऐसा है कि ईबी इज लेस देन वी, ईबी की वैल्यू अगर लेस देन वी है, ईबी यानी बैक ईएमएफ है एंड वी आपका सप्लाई वोल्टेज, तो बैक ईएमएफ की वैल्यू अगर सप्लाई वोल्टेज से कम है, देन द मोटर इज सेड टू बी अंडर एक्साइटेड. ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड. जब ईबी की वैल्यू वी के इक्वल में है तब वो नॉर्मल एक्साइटेशन है, ईबी की वैल्यू अगर लेस देन वी है तब वो अंडर एक्साइटेशन रहेगा. एंड इन बोथ दीज केसेस कंडीशंस इट हैज अ लैगिंग पावर फैक्टर. ये दोनों कंडीशन में, यानी नॉर्मल एक्साइटेशन एंड अंडर एक्साइटेशन में, जो पावर फैक्टर होता है आपका वो लैगिंग होता है. ठीक, यहाँ पे एक फिगर दिया है आपको आगे, ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए दो यहाँ पे फेजर डायग्राम दिखाए हैं. ठीक है, और यहाँ पे इसमें ईबी की वैल्यू वी के इक्वल है और यहाँ पे ईबी की वैल्यू लेस देन वी है, तो वहां पे आपका लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा. ठीक है, नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ डीसी फील्ड एक्साइटेशन इज सच दैट ईबी इज ग्रेटर देन वी, अगर वहां का डीसी फील्ड एक्साइटेशन ऐसा है कि वहां पे ईबी की बैक ईएमएफ की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वी है, देन द मोटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड, तब हम मोटर को बोलते हैं ओवर एक्साइटेड है एंड ड्रॉज अ लीडिंग करंट. अब वो मोटर क्या करेगी, वहां पे लीडिंग करंट को ड्रॉ करेगी. ठीक है, तो ये आगे के डायग्राम में दिया है, ये 38.13, ठीक है, यहाँ पे दिया है, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर के लिए है. ठीक है, ये यहाँ पे गलती हो गई है डायग्राम में थोड़ी सी, यहाँ पे लैगिंग के बजाय आपको लीडिंग ध्यान में रखना है. ठीक है, देन समझ ले पॉइंट. ठीक है, पहले पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपण, की मोटर ही आपण नॉर्मल एक्साइटेशन वरती आहे असं कधी म्हणतो, जेव्हा ईबी ची व्हॅल्यू व्ही च्या इक्वल मध्ये असेल. जर फील्ड एक्साइटेशन हे अशा प्रकारे असेल की तिथली ईबी ची व्हॅल्यू जर लेस दॅन व्ही असेल, तर तेव्हा मोटरला म्हणतो आपण अंडर एक्साइटेड मोटर आहे. आणि या नॉर्मल एक्साइटेशन आणि अंडर एक्साइटेशन मध्ये पॉवर फॅक्टर हा लॅगिंग मध्ये असतो. ठीक आहे, हे डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे, या दोन डायग्राम मध्ये. ठीक आहे, ईबी इज इक्वल टू व्ही आणि ईबी इज लेस दॅन व्ही, याच्यासाठी हा पॉवर फॅक्टर लॅगिंग असणार. क्लिअर आहे. ऑन द अदर हँड, इफ द
डीसी फील्ड एक्साइटेशन इज सच दॅट जर तिथलं डीसी एक्साइटेशन हे अशा प्रकारे असेल की ईबीची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन व्ही असेल तर तेव्हा त्या मोटरला म्हणतो आपण ओव्हर एक्साइटेड मोटर आहे आणि त्यावेळेस ती मोटर लिडिंग करंट ड्रॉ करत असते जे की या 38.13 ए डायग्राम मध्ये दाखवलेले आहे. ठीक आहे, तर हा लिडिंग पॉवर फॅक्टर इथं लक्षात ठेवायचं. क्लिअर आहे. देअर विल बी सम व्हॅल्यू ऑफ एक्साइटेशन फॉर विच आर्मेचर करंट विल बी इन फेज विथ दी व्ही. आता तिथं काही जी एक्साइटेशनची व्हॅल्यू आहे सम व्हॅल्यू असेल आर्मेचर करंटसाठी ती इन फेज मध्ये असणार आहे तिथल्या व्होल्टेजच्या, त्यामुळे पॉवर फॅक्टर तिथला युनिटी पण आहे. ठीक आहे, देअर विल बी सम व्हॅल्यू ऑफ एक्साइटेशन म्हणजे तिथं एक व्हॅल्यू असणार आहे एक्साइटेशनची ज्याच्यासाठी आर्मेचर करंट हा इन फेज मध्ये असेल तिथल्या व्होल्टेजच्या आणि त्यावेळेस पॉवर फॅक्टर आपला युनिटी असणार आहे जो की आपल्या या फोर्थ फिगर मध्ये दाखवलेला आहे. ठीक आहे, तर इथं युनिटी पॉवर फॅक्टर आहे. आता हे लॅगिंग पॉवर फॅक्टर कशामुळे म्हटलं आपण या दोन कंडिशन साठी, कारण इथं आय ए हा दिसतोय तुम्हाला व्हीच्या लॅगिंग मध्ये आहे. ठीक आहे, हा ईबीचा फेजर आहे, हा ई आर यांनी रिझल्टंट ईएमएफचा फेजर आहे, हा बॅक ईएमएफचा फेजर आहे, हा आर्मेचर करंटचा फेजर आहे, हा सप्लाय व्होल्टेजचा फेजर आहे. आता आय ए हा व्हीच्या लॅगिंग मध्ये आहे इथं, कारण फेजर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन न रोटेट होत असतात, त्यामुळे आय ए हा व्हीच्या लॅगिंग मध्ये आहे. म्हणून ईबी म्हणजे हे ईबी इज इक्वल टू व्ही हे नॉर्मल एक्साइटेशन झालं आपलं. ठीक आहे, और उसके लिए पॉवर फॅक्टर कैसे होगा आपका लॅगिंग में. सेकंड केस में ईबी इज लेस दॅन व्ही रहेगा. ठीक आहे, ईबी की व्हॅल्यू व्ही से लेस दॅन रहेगी. अभी इस कंडीशन में भी यहाँ पे दिख रहा है आपको आय ए का फेजर व्ही के लॅगिंग में लिया है ये एंगल से. ठीक है, और ये ई आर का फेजर है आपका. तो इस केस में भी ये आपकी अंडर एक्साइटेशन केस होगी और इसमें भी आपका पावर फैक्टर लैगिंग में ही होगा. थर्ड केस में अभी यहाँ पे दिख रहा है ये आई ए का फेजर ऊपर गया अभी वोल्टेज के फेजर से, तो आई ए लीडिंग में गया वोल्टेज से क्योंकि फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होते हैं, तो आई ए का फेजर आगे है और वी का फेजर पीछे है, तो आई ए लीडिंग में गया, तो उसकी वजह से ईबी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वी है तब वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है. ठीक है, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा. एंड फोर्थ केस में सम एक्साइटेशन की वैल्यू वहां पे आर्मेचर करंट के लिए इन फेज में रहेगी वोल्टेज से, तो आई ए एंड वी यहाँ पे इन फेज में दिखाए हैं यानी फेज डिफरेंस यहाँ का जीरो होगा और उसकी वजह से वहां का पावर फैक्टर आपका यूनिटी रहेगा. ठीक है, तो ऐसे चार डायग्राम यहाँ पे दिखाए हैं. ये है आपका पॉइंट सिंक्रोनस मोटर विथ डिफरेंट एक्साइटेशन. ठीक है, डिफरेंट एक्साइटेशन के लिए ये सिंक्रोनस मोटर हमने यहाँ पे देखी है. ठीक है, ये तीन कंडीशन ध्यान में रखो, नॉर्मल एक्साइटेशन यानी ईबी इज इक्वल टू वी, अंडर एक्साइटेशन यानी ईबी की वैल्यू लेस देन वी है, एंड ओवर एक्साइटेशन मीन्स ईबी की वैल्यू ग्रेटर देन वी है. ये दोनों कंडीशन में नॉर्मल एक्साइटेशन एंड अंडर एक्साइटेशन में आपका पावर फैक्टर लैगिंग में होता है, ईबी ओवर एक्साइटेशन में वहां का पावर फैक्टर आपका लीडिंग में होता है. ठीक है, एंड आर्मेचर करंट एंड अगर वोल्टेज इन फेज में है तो वहां का पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है. तो ये चार केसेस हमने डिस्कस किए हैं अभी. ठीक है, समझ में आया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लोड विथ कांस्टेंट एक्साइटेशन. ठीक है, अभी हमें इफेक्ट देखना है इंक्रीज लोड का, लेकिन वहां का एक्साइटेशन हमें कॉन्स्टंट रखना है. ठीक है, लोड इंक्रीज करायचा आपल्याला सिंक्रोनस मोटर वरचा, पण एक्साइटेशन तिथलं कॉन्स्टंट ठेवायचं. ठीक आहे, मग त्या इन्क्रीज लोडचा काय इफेक्ट होतो मोटरवरती हे पाहायचंय आपल्याला. सो वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ इन्क्रीज लोड ऑन अ सिंक्रोनस मोटर अंडर कंडिशन ऑफ नॉर्मल अंडर अँड ओव्हर एक्साइटेशन इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. इथं आपल्याला हा इफेक्ट जो आहे इन्क्रीज लोडचा तो स्टडी करायचा आहे सिंक्रोनस मोटरवरती. त्याच्यासाठी परत तीन कंडिशन्स आपल्याला इथं कन्सिडर करायच्यात, नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन आणि ओव्हर एक्साइटेशन कंडिशन. ठीक आहे, ज्या की आता डिस्कस केले आपण, पण इथं आर्मेचर रिएक्शनचा इफेक्ट आपल्याला इग्नोर करायचा आहे. ठीक आहे, मग नॉर्मल एक्साइटेशन मध्ये आपल्याला माहित आहे ईबीची व्हॅल्यू व्हीच्या इक्वल मध्ये असते, अंडर एक्साइटेशन मध्ये ईबीची व्हॅल्यू लेस दॅन व्ही असते आणि ओव्हर एक्साइटेशन साठी ईबीची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन व्ही असते. सो व्हॉट एव्हर the value of excitation, it would be kept constant during our discussion. Excitation कितना भी रहने दो आपका
वहां पे वो एक्साइटेशन को आपको कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे दिया है पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लोड, लोड इंक्रीज करना है लेकिन एक्साइटेशन वहां का कांस्टेंट रखना, ठीक है। सो इट वुड ऑल्सो बी अज्यूम दैट आर ए इज निग्लिजिबल। इथं आपल्याला आणखीन एक अज्यूम करायचं आहे की आर ए म्हणजे आर्मेचरचा रेजिस्टन्स हा निग्लिजिबल अज्यूम करायचा आहे ॲज कम्पेअर टू एक्सेस, ठीक आहे। एक्सेसच्या कम्पॅरिझन मध्ये आर ए हा आपल्याला निग्लिजिबल ठेवायचा, त्यामुळे फेज अँगल जो असणार आहे ई आर आणि आय ए मधला तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री असणार। ई आर म्हणजे रिझल्टंट टी एम एफ चा फेजर आणि आय ए या दोघांमधला फेज अँगल हा थीटा इज इक्वल टू 90 असणार, ठीक आहे। नाउ त्यामध्ये पहिली कंडिशन डिस्कस करू मग आपण नॉर्मल एक्साइटेशन। सो हियर फिगर शोज, आगे फिगर दिया आपको, द कंडिशन व्हेन द मोटर इज रनिंग विथ अ लाइट लोड, ठीक आहे। या फिगर मध्ये दाखवलंय, इथं दाखवलेलं फिगर आहे, ठीक आहे, 38.15A। या फिगर मध्ये असं कन्सिडर करतोय आपण की मोटर ही रन करतोय आपण लाइट लोड वरती, सो दॅट तिथला टॉर्क अँगल अल्फा वन इज स्मॉल। उसकी वजह से यहाँ पे जो अल्फा वन टॉर्क एंगल रहेगा वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। सो ई आर वन इज स्मॉल, तो उसकी वजह से ई आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉल बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि टॉर्क एंगल वहां पे स्मॉल है। एंड हेंस आई ए वन इज स्मॉल, उसकी वजह से अगर ई आर वन स्मॉल है तो आपका आई ए वन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये स्मॉल वैल्यू दिखाई है, ठीक है। एंड phi1 इज स्मॉल, सो दैट cos phi1 इज लार्ज। phi1 की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से cos phi1 की वैल्यू वहां पे लार्ज होगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपण की या फिगर मध्ये आपण असं शो केलेलं आहे, ठीक है, या फिगर मध्ये शो केलेलं आहे की जर मोटर आपण रन केली लाइट लोड वरती तर त्यावेळेस टॉर्क अँगल आपला अल्फा वन हा स्मॉल असणार आहे, त्यामुळे ई आर वन ची व्हॅल्यू स्मॉल मिळेल आपल्याला आणि त्यामुळे आय ए वन ची व्हॅल्यू सुद्धा तिथं स्मॉल असणार आहे आणि फाय वन स्मॉल असल्यामुळे तिथला कॉस फाय वन जो आहे तो लार्ज असणार आहे। नाउ सपोज दॅट द लोड ऑन द मोटर इज इन्क्रीज ॲज शोन इन फिगर बी। या बी फिगर मध्ये आता लोड इन्क्रीज केला मोटरवरचा आपण, ठीक आहे। लोड इन्क्रीज केल्यामुळे काय झालं आता पहा, इथं हा ई आर वन होता आपला, हा याची व्हॅल्यू आता ई आर टू बनली, ठीक आहे, आणि ह्याची व्हॅल्यू लार्ज मिळाली आपल्याला, ठीक आहे। तशीच आय ए वन ची व्हॅल्यू इथं जास्त मिळाली, आता ती असेल आपली आय ए टू, ठीक आहे, जेव्हा लोड देतोय मोटरला। सो नाउ सपोज दॅट लोड ऑन द मोटर इज इन्क्रीज ॲज शोन इन फिगर बी। सो फॉर मीटिंग धिस एक्स्ट्रा लोड द मोटर मस्ट डेव्हलप मोर पॉवर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लोड को मीट करने के लिए मोटर ने क्या करना चाहिए, वहां पे ज्यादा टॉर्क डेवलप करना चाहिए बाय ड्रॉइंग मोर आर्मेचर करंट, और वहां पे आर्मेचर करंट भी ज्यादा ड्रॉ करना चाहिए मोटर ने, ठीक है, कारण लोड जो है मोटर वरचा तो जो इन्क्रीज करतोय आपण आता, आणि त्यामुळे त्या एक्स्ट्रा लोडला मीट करण्यासाठी मोटर ने तिथे जास्त टॉर्क प्रोड्यूस केला पाहिजे आणि आर्मेचर करंट सुद्धा तिथे जास्त ड्रॉ केला पाहिजे, ठीक है। सो अनलाइक द डीसी मोटर अ सिंक्रोनस मोटर कॅनॉट इन्क्रीज इट्स आय ए। डीसी मोटर सारखं सिंक्रोनस मोटर ही तिथल्या आय ए ची व्हॅल्यू ला इन्क्रीज करत नाही बाय डिक्रीजिंग इट्स स्पीड, ठीक आहे, त्याची स्पीड करून आय ए ची व्हॅल्यू इथं डिक्रीज करत नाही सिंक्रोनस मोटर, जसं डीसी मोटर मध्ये होत असतं। अँड हेन्स ई बी बिकॉज बोथ आर कॉन्स्टंट इन इट्स केस, त्यामुळे ई बी जो आहे तो दोन्ही केस मध्ये कसा राहणार आहे आपला, कॉन्स्टंट राहणार आहे, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे ई बी कॉन्स्टंट रहेगा ये दोनों केस, समझ में आया, ठीक है। ये नॉर्मल एक्साइटेशन के लिए था। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज एज अंडर, इसमें क्या हो रहा है देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में रोटर फॉल्स बैक इन फेज, रोटर क्या हो रहा है यहाँ पे फॉल बैक में आ रहा है इन फेज में, दैट इज लोड एंगल इंक्रीजेस टू अल्फा वन। लोड एंगल क्या हो जाएगा आपका अल्फा वन के लिए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये लोड एंगल है यहाँ का आपका बढ़ गया है, ठीक है। Now the resultant voltage in armature is increased considerably to a new value ER2. Resultant voltage जो पहले इतना था अभी यहाँ पे वो इंक्रीज होके इतना बन जाएगा और इसकी considerable new value क्या होगी आपकी ER2, ठीक है। इतना resultant voltage का जो फेजर है तो कमी दाखवला होता स्मॉल त्याच वैल्यू अपन, पण ती आता इथं इंक्रीज झालेली दाखवली आपण ER2, ठीक है, न्यू वैल्यू आपली ER2 असेल।
सो ऍज अ रिझल्ट आय ए वन इन्क्रीजेस टू आय ए टू, त्यामुळे आय ए वन ची व्हॅल्यू इन्क्रीज होऊन आता ती झाली आपली आय ए टू एवढी, ठीक आहे. सो देअर बाय इन्क्रीजिंग द टॉर्क डेव्हलप बाय द मोटर. इसका मतलब है आपका जो मोटर ने टॉर्क डेव्हलप किया है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. सो फाय वन इंक्रीजेस टू फाइव फाइव टू, फाय वन की वैल्यू वहां यहाँ की फाइव टू से फाइव वन की वैल्यू इंक्रीज होके फाइव टू बन गई यहाँ पे, ठीक है. सो दैट पावर फैक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम, वहां का पावर फैक्टर अभी डिक्रीज हो रहा है कॉस फाइव वन से न्यू वैल्यू कॉस फाइव टू के, ठीक है. पावर फैक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कॉस फाइव वन से न्यू वैल्यू जो है वो है कॉस फाइव टू तक, ठीक है. तो ये एक्चुअली होता है नॉर्मल एक्साइटेशन. क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें? नाउ सिंस इंक्रीज इन आई ए इज मच ग्रेटर देन द स्लाइट डिक्रीज इन द पावर फैक्टर, ठीक है. अभी जो इंक्रीज हो रहा है आई ए की वैल्यू में वो ग्रेटर होता है देन द स्लाइट डिक्रीज इन द पावर फैक्टर. जो स्लाइट डिक्रीज हो रहा है पावर फैक्टर उससे आई ए जो इंक्रीज हो रहा है वो मच ग्रेटर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. जो स्लाइट डिक्रीज होता है जितना पावर फैक्टर त्याच्यापेक्षा आई ए ची वैल्यू इंक्रीज होती है मच ग्रेटर वैल्यू ना, त्यामुळे द टॉर्क डेव्हलप बाय द मोटर इज इंक्रीज. जो मोटर ने टॉर्क डेव्हलप केलेला असेल तो सुद्धा इंक्रीज होणार आहे आणि टू अ न्यू व्हॅल्यू, ठीक आहे. मोटरचा जो टॉर्क इंक्रीज होतोय तो एका न्यू व्हॅल्यूला तिथं इन्क्रीज होईल सफिशियंट टू मीट द एक्स्ट्रा लोड पुट ऑन दी मोटर. जेवढा काही एक्स्ट्रा लोड पुट करतोय आपण मोटरवरती त्याला मीट करण्यासाठी तिथला टॉर्क सुद्धा मोटरचा काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे एका न्यू व्हॅल्यूला, ठीक आहे. सो इट विल बी सीन दॅट इसेन्शियली इट इज बाय इन्क्रीजिंग इट्स आय ए, ठीक आहे. इट इसेन्शियली ते कशामुळे होत आहे तर तिथल्या आय एच्या व्हॅल्यू मध्ये इन्क्रीज होतोय दॅट द मोटर इज एबल टू कॅरी द एक्स्ट्रा लोड पुट ऑन, ठीक आहे. त्यामुळे मोटर काय करते जो काही एक्स्ट्रा लोड पुट होतोय मोटरवरती त्याला कॅरी करते ती मोटर, ठीक आहे. समज में आया, ठीक आहे. तो यहाँ पे फिर से ये दो डायग्राम दिखाए, यहाँ पे देखो अभी ये ईबी के दो फेजर दिखाए हैं, ठीक है. ये ई आर वन का फेजर है, ये ई आर टू का फेजर है, ठीक है. ये ई आर वन पहले कम था, ये अभी सेकंड केस में बढ़ गया है ये, ठीक है. ईबी आपका दोनों तरफ कॉन्स्टेंट रह रहा है. ये आई ए टू है, ये पहले आई ए वन की वैल्यू स्मॉल थी लेकिन सेकंड केस में आई ए टू बढ़ गया है, ठीक है. तो ये फेजर डायग्राम है. ईबी इज ग्रेट, ईबी इज इक्वल टू वी के लिए, यानी ये नॉर्मल एक्साइटेशन के लिए है और ये अंडर एक्साइटेशन के लिए है फेजर डायग्राम जिसमें ईबी की वैल्यू लेस देन वी है, ठीक है. यहाँ पे दिख रहा है आपको ईबी, ये ईबी के दो फेजर दिखाए हैं. यहाँ पे लोड एंगल कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है. ये ई आर टू का फेजर है, ये ई आर वन का फेजर है, ठीक है. फर्स्ट केस में ई आर वन कम है, सेकंड केस में वो बढ़ के आपका ई आर टू बनता है तो इसकी वैल्यू ज्यादा मिलती है. यहाँ पे भी आई ए वन की वैल्यू स्मॉल दिखाई थी, अभी वो बढ़ के आई ए टू बन जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है. तो ये आपका फेजर डायग्राम है अंडर एक्साइटेशन के लिए, क्लियर है. सो अ फेज समरी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर एट नॉर्मल एक्साइटेशन इज शोन इन द फिगर, ठीक है. ये जो फिगर दिखाई है यहाँ पे दोनों फिगर, ठीक है. तो ये नॉर्मल एक्साइटेशन के लिए जो भी फेज समरी यहाँ पे दिखाई है इंक्रीज लोड की, वो हमने नॉर्मल एक्साइटेशन के लिए ये फिगर ए में दिखाई है यहाँ पे, ठीक है. सो हियर इट इज सीन दैट देयर इज कंपैरेटिवली मच ग्रेटर इंक्रीज इन आई ए देन इन वाई. ये हम ऊपर के डिस्कशन से हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि वहां पे अगर आई ए की वैल्यू अगर ग्रेटर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कंपैरेटिवली आई ए की वैल्यू वहां पे ग्रेटर इंक्रीज हो रही है फाइव से, ठीक है. आई ए की वैल्यू कंपैरेटिवली ग्रेटर इंक्रीज हो रही है फाइव से, ठीक है. तो ये हमें पता चलता है नॉर्मल एक्साइटेशन से, ठीक है. कुछ डाउट है इसमें? ओके. सो अभी सेकंड केस है आपका अंडर एक्साइटेशन एंड थर्ड केस है आपका ओवर एक्साइटेशन, ठीक है. तो ये दो केस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो वी विल स्टॉप हियर, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.
थैंक यू वेरी मच।